हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जी, वहाँ से मैं निकल चुका हूँ नैनीताल से। तो अभी इस टाइम हूँ मैं काठगोदाम में, जहाँ से ट्रेन लेके मैं नैनीताल के लिए गया था। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से हरिद्वार के लिए। तो बट हरिद्वार के लिए ट्रेन तो मुझे मिली नहीं डायरेक्ट, तो आज ट्रेन थी नहीं, इसलिए मैं मुरादाबाद तक जा रहा हूँ। आधी ट्रेन मिली मुझे आधे रास्ते तक के लिए, फिर वहाँ से 100 किलोमीटर तकरीबन है हरिद्वार। और अब मैं कर रहा हूँ जी जो मैंने सोचा है, चार धाम की यात्रा, जिसमें से पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जो भी है चार। तो देखते हैं, पहले तो केदारनाथ जाना है मुझे, इसके लिए हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। तो अभी तो मुरादाबाद जा रहा हूं, शाम के 7 बज चुके हैं, तो 8:30 की मेरी ट्रेन है। तो बस सामान मैंने ट्रेन में रख दिया है, वैसे थोड़ा बहुत घूम ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद ट्रेन है। तो ये ट्रेन लगी हुई है अपनी, वो ट्रेन कोई और है, कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है दिख नहीं रहा मुझे। काठगोदाम से शायद बंगाल वाली साइड जा रही कहीं। ये है जी लास्ट ट्रैक उत्तराखंड का। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी मैं अभी हूँ हरिद्वार में। तो जो पहुँच गया था मैं रात को सुबेरे 4 बजे करीब, तो तब से अंदर ही सोया रहा वेटिंग हॉल में 2 घंटे। अब 6:15 हो रहे हैं, फ्रेश व्रेश हो गया। अब मैं जा रहा हूँ बाहर चाय वाय पी के, फिर सीधा निकलूँगा ऋषिकेश के लिए। बस स्टैंड साथ में ही है, तो मिलते हैं आपको। बाकी धूप देखो कितनी तेज़ हो चुकी है, 6 बजे देखो। देखो यहाँ हरिद्वार बस स्टैंड में कितनी भीड़ लगी हुई है देखो। तो ऋषिकेश की बस पता करते हैं यार, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ अब, तो जी मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम ऋषिकेश। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा, आज यहीं रुकूँगा। तो जाएंगे लक्ष्मण झूला, राम झूला, उधर देखते हैं रुकने का अगर क्या सीन बनता है, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे कल सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए। लक्ष्मण झूला तो पास पास में है क्या? तो जी ऋषिकेश पहुंच चुका हूं मैं राम झूले के पास। तो काफ़ी भीड़ चल रही है देखो, ये सारी भीड़ चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है उसके लिए। लोग वैसे वहां जाते हैं हरिद्वार से आगे जाते हैं, लेकिन जब हरिद्वार आए तो ऋषिकेश भी आते हैं लोग, तो यहाँ पर स्नान वगैरह करके फिर आगे जाते हैं। तो काफ़ी भीड़ चल रही है यार कांवड़ यात्रा के दौरान, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो सारे खाने के जो स्टॉल लगे हैं, आप सोचेंगे फ्री में, फ्री में नहीं है। कैसे दिए चाचा? भटूरे, भटूरे सारा क्या, थाली वगैरह क्या है? भटूरे 50 रुपये प्लेट है, 2 पराठे 50 रुपये प्लेट। अच्छा देखा ये सीन है, देख रहे हो कितना भीड़ है, कितना रश लगा हुआ है। अभी मैं आपको घाट में ले चलूँगा, राम झूले के घाट है जो, वहाँ पे देखना कितना भीड़ है। सारे कांवड़ यात्री जो आ रखे हैं, काफी भीड़ हो रखी है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखा आपने कांवड़ यात्रा कितनी जबरदस्त चल रही है, हरिद्वार से लेके ऋषिकेश और पता नहीं कहाँ कहाँ तक के। तो गाइज ये वो हॉस्टल है जहाँ पे मैंने आके अपना बेड लिया हुआ है। तो ये कुछ टेरिस एरिया घूमने के लिए, चिल चुल करने के लिए, दिखाता हूँ आपको। धूप बहुत लगी, कपड़े धो के सुखाया, पानी ख़त्म हो गया यार, नहाने के लिए आया था। तो अंदर आपको बेड दिखाता हूँ अपना। तो ऐसा कुछ है देखो, ये डॉर्मेट्री है 10 बेडरूम का, ये मेरा बैग है, तो ये बेड है मेरा, ये देखो फैन लगा हुआ है अपना, मतलब वाईफाई सारा कुछ, ऐसा कुछ है। ये देखो जी ये किचन एरिया बाहर, ये चिल करने के लिए बैठने के लिए, देख सकते हो क्या जबरदस्त ये सारा एरिया। कपड़े धो के बाकी भाई लोगों ने भी सुखाया, मैंने भी सुखा दिया,
तो आगे देख सकते हो ग्रीनरी एकदम जंगल के पास में है। ये है बाथरूम, तो ये सामने शीशा भी है, काफ़ी ज़बरदस्त है यार। तो हॉस्टल का नाम है हैबिट हॉबिट, हॉबिट हॉस्टल करके नाम है। तो ऐसा कुछ है जी बाहर का सराउंडिंग, ये देख सकते हो। बाकी ज़बरदस्त है यार जो हॉस्टल लिया मैंने, देखो बिल्कुल लक्ष्मण झूला से तकरीबन आधा किलोमीटर होगा एरिया ये। बाकी देखो मौसम ज़बरदस्त बारिश वाला हो रखा है, कभी भी बारिश पड़ जाएगी। तो ये भैया वो जो कुकिंग का काम संभालते हैं, क्या नाम है आपका भाई? नरेश। नरेश, तो ये कुकिंग का रिसेप्शन दोनों संभालते हैं, और एक भैया से आपसे मिला ही दिया मैंने। तो बाकी तो आप देख सकते हो टेरेस कितना ज़बरदस्त अच्छे से सजा रखा हुआ है, वाह। तो ये है हॉबिट हाउस हॉस्टल ऋषिकेश, देखो देखने में ऐसा दिखता है कुछ। बाहर रिसेप्शन एरिया देखो कितना ज़बरदस्त है। तो तकरीबन शाम के 5 बज चुके हैं, हॉस्टल में आराम से कपड़े वपड़े धोए आज, रिलैक्स किया। तो यार ये मेरा पजामा फट गया पीछे से, तो इसको सिलवाने के लिए जा रहा हूँ नीचे, और साथ में डिनर भी कर लूँगा और थोड़ा सा लक्ष्मण झूला वगैरह एक्सप्लोर करके घूम के मज़े से आऊँगा फिर वापस। चलते हैं। तो अब मैं नीचे उतर गया हूँ, मार्केट में आ चुका हूँ। तो मेरे होटल से यार हॉस्टल से यहाँ नीचे आने तक का था 1 किलोमीटर, तो अब यहाँ से भी आधा किलोमीटर नीचे लक्ष्मण झूला। तो खाने वाने का देखते हैं, क्योंकि दोपहर को लंच मैंने किया नहीं, अब लंच और डिनर इकट्ठे ही करूँगा और उसके बाद झूले में जाके वॉक करूँगा, खाना पचाऊँगा, मज़े लूँगा। तो ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता गया केदारनाथ के लिए और एक यह रास्ता लक्ष्मण झूला के लिए नीचे। यहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पे है लक्ष्मण झूला। तो जी खाने में यह आया दाल, आलू गोभी, रायता, 4 रोटी और चावल। तो ऐसा कुछ है जी। तो जी डिनर वगैरह भी कर लिया, जल्दी कर लिया, 5:30-6 बजे कर लिया, बट कोई बात नहीं, अब जाके गंगा किनारे बैठूँगा, थोड़ी वहाँ की वाइब्स लूँगा, माहौल देखूँगा, और उसके बाद फिर निकल जाऊँगा अपने हॉस्टल के लिए। सो यार लक्ष्मण झूला तो अभी बंद है, काम चल रहा है झूले का, तो इसलिए क्राउड वगैरह कोई है नहीं तो रिवर साइड में जाके वहाँ बैठना था यार, इन्जॉय करना था। अब राम झूला जाऊँगा, राम झूला यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है, तो इसलिए जाना नहीं है। तो देखो जी यहाँ पे अंग्रेज लोग भी अपने डॉग लेके जा रहे हैं, है पता नहीं कहाँ के, इनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है। सो लक्ष्मण झूला तो बंद है, राम झूला 1.5 किलोमीटर दूर है, तो उतना दूर तो मैं जाऊंगा नहीं, यहीं पे थोड़ा बहुत घूमूंगा और फिर उसके बाद सीधा अपने हॉस्टल के लिए निकल जाऊंगा यार, ऐसा कुछ है। बाकी कल निकलेंगे अपना केदारनाथ यात्रा के धाम के लिए।